नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम वेटनरी साइंस के ऐसे क्वेश्चन आंसरों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम होगी। और देखिए वेटनरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, सभी में यह काम आने वाले हैं और अपनी तैयारी का लेवल जाँचने के लिए ये बेस्ट वीडियो साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें 70+ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जिसमें से अगर आपने 50+ भी कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, नवजात बछड़े को हे खिलाना किस उम्र से शुरू करते हैं। तो देखिए हे का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में सुखाया गया हरा चारा जिसमें नमी की मात्रा 12 से 14% रह जाए, क्या बोलते हैं उसको? हे बोलते हैं। तो बताइए कब खिलाते हैं, यानी कि 1 दिन की उम्र पर, 7 दिन की उम्र पर, 15 दिन या 21 दिन की उम्र पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 दिन की उम्र पर, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बसा रहित पशु शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो प्रतिशत होती है 75%। कितना होती है? 75% होती है, यानी कि 3/4 हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये निर्माण की विधि है कौन सी हो जाएगी? देखो एक तो फील्ड करेंग, यानी कि खेत में जो घास होता है उसको सुखा दिया जाता है, माव करेंग हो जाएगा, और एक आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो ये सभी क्या है? हे निर्माण की विधि है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नहीं है। देखिए साइलेज प्रिजर्वेटिव का मतलब ये है कि साइलेज को खराब होने से बचाने वाले पदार्थ, ठीक है। तो एक तो मोलासेस है, साल्ट भी मिलाते हैं उसमें, और सीरियल ग्रेन्स भी मिलाते हैं, यूरिया नहीं मिलाते हैं, यूरिया नहीं मिलाते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी गुड साइलेज में बूटेरिक एसिड की मात्रा होती है। तो देखिए जब साइलेज बनाते हैं ना तो साइलेज में दो प्रकार के कड़वन होते हैं, दो प्रकार के फर्मेंटेशन होते हैं। एक तो होता है बूटेरिक अम्ल कड़वन, ठीक है, और एक होता है प्रोपियोनिक अम्ल कड़वन। तो बूटेरिक अम्ल कड़वन कब होता है? जब चारे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्रोपियोनिक अम्ल कड़वन तब होता है जब चारे में घुलनशील शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए जब बूटेरिक अम्ल कड़वन होता है ना तो साइलेज की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ख़राब होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेरी गुड साइलेज में बूटेरिक अम्ल की मात्रा कितनी होगी? 0% होगी, ठीक है। तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, गाय में मिल्क फीवर किसकी कमी से होती है? तो भाई मिल्क फीवर होती है कैल्शियम की कमी से, और मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें होता क्या है, शरीर का तापमान होता है वो सामान्य से कम हो जाता है, यानी कि हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है, और कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि जो गाय होती है वो अपनी गर्दन को फ्लैंक की तरफ करके बैठी रहती है, ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोविटामिन ए कहा जाता है? तो रेटिनॉल को क्या बोलते हैं? विटामिन ए ही बोलते हैं। और राइबोफ्लाविन किसको बोलते हैं? विटामिन बी2 को बोलते हैं। और थायमिन किसको बोलते हैं? विटामिन बी1 को। तो बीटा जो कैरोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोविटामिन ए बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन है, रूमन में वोलेटाइल फैटी एसिड, अब वोलेटाइल फैटी एसिड क्या होते हैं, यानी कि एसीटेट, प्रोपियोनेट और बूटीरेट, इनका जो अनुपात होता है वो रूमन में कितना होता है? तो वो होता है 7:2:1 होता है, ठीक है। देखिए नवा क्वेश्चन है, रूमन में बनने वाली अमोनिया को यूरिया में लेने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, प्रोटोजोआ, फंगस, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो वो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए दसवां क्वेश्चन है, मानव में साइलोफिलर्स डिजीज किसके ऑक्साइड सांस के साथ घृण करने से होती है? साइलोफिलर्स डिजीज क्या होती है, यानी कि जब साइलेज बनाते हैं ना तो साइलेज बनाते समय जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो सांस के साथ, यानी कि श्वसन के साथ अंदर चले जाते हैं और बीमारी होती है साइलोफिलर्स डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड अंदर जाते हैं तब होती है ये बीमारी। देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन है, किड़कों क्रीपर आसन किस उम्र पर देना शुरू करते हैं? तो क्रीपर आसन कब देते हैं?
15 दिन की उम्र पर। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, बछड़े को मिल्क रिप्लेसर देना किस उम्र से शुरू करते हैं? तो ये देते हैं 4 दिन की उम्र से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अधूरा ज्ञान होता है वो किसी काम का नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के वायवीय उपापचय से प्राप्त नेट एटीपी की संख्या, हम बात करें किसकी, यानी कि वायवीय उपापचय की, और वायवीय उपापचय क्या होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जब बात करेंगे हम एक अणु ग्लूकोज की, तो एक अणु ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण से 32 एटीपी प्राप्त होती है, और अवायवीय उपापचय से 2 एटीपी प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला है, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर किसे कहते हैं? तो ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है, तो ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर। देखिए 15वां क्वेश्चन है, यूवीवी रेज की उपस्थिति में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो देखो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से कोई अल्ट्रावायलेट रेज प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी विटामिन बनती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी बनती है, विटामिन डी बनती है। और देखो ये जो विटामिन डी होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तो D2 होती है और एक होती है D3। D2 को बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जो कि पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, और D3 होती है वो जानवरों में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिकैल्सीफेरॉल। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन D2 का निर्माण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन में औसत परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कि एवरेज कितना परसेंट नाइट्रोजन हम मान के चलते हैं? तो 16% मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, ट्राइफोलियम एलेक्सेंड्रम किसका वैज्ञानिक नाम है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका है भाई, बताओ किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा बरसीम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे में TDN होता है, कितना TDN पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 40%। साइलेज के सामान्य रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो साइलेज के सामान्य रंग के लिए जिम्मेदार होता है थियोफाइटिन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? तो एनिमल स्टार्च बोलते हैं ग्लाइकोजन को। किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजन को बोलते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स के भोजन में पाई जाने वाली ट्रू प्रोटीन का कितना हिस्सा रूमन को बाईपास कर जाता है? तो कर जाता है, कितना कर जाता है? 40% हिस्सा। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल का उदाहरण क्या है? तो देखिए वो हो जाएगा हेमी सेलुलोज। क्वेश्चन दोस्तों अटपटे जरूर है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने वास्तव में पढ़ाई की है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, पढ़ाई नहीं की है तो आपको ये खराब ही लगेंगे। देखिए अगला है, गाय के भोजन में दाने एवं चारे का उचित अनुपात होता है, कितना होता है? बात करें किसकी? दाने और चारे की। तो दाना कम देते हैं हम चारे की तुलना में, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1% दाना देते हैं और 2% क्या देते हैं? चारा देते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अगर चारा और दाना पूछता तो 2:1 हो जाता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के भोजन में दाने एवं चारे का उचित अनुपात होता है, दाने एवं चारे का उचित अनुपात वही कितना होता है? 1:2 होता है। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बसा रहित पशु शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का होती है, कितना परसेंट होती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो वो होती है 3/4। देखिए 25वां क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव टाइप रफेज में DCP होती है, DCP का मतलब है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, तो कितना होती है? वो होती है 6%। कितना होती है? 6% या 5 से 6% होती है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, हरे चारे में नमी की मात्रा कितना होती है? अरे हरे चारे में नमी नमी होती है, पानी पानी होता है, तो सबसे ज्यादा होगी कितना? 80%। ठीक है, देखिए 27वां क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की कुल संख्या होती है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एलएसए एग्जाम 2022 में भी पूछा है अभी। तो अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? वाटर होता है, ठीक है, क्रूड प्रोटीन होता है, क्रूड फाइबर होता है, ईथर एक्सट्रैक्ट होता है, एनएपी होता है, आस होती है यानी कि राख। तो सभी ये क्या है? अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है। देखिए 28वां क्वेश्चन है, जानवरों के भोज्य पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा निकालने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं हॉट एयर ओवन। क्या लेते हैं? हॉट एयर ओवन लेते हैं, गर्म हवा भट्टी काम में लेते हैं। देखिए अगला है, ग्लूकोज व सुक्रोज किस ग्रुप में आते हैं? तो ये आते हैं एनएपी के अंतर्गत, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि देखो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, तो दूसरे जो प्रकार है उनमें एनएपी आएगा। अगला है, भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा निकालने के लिए कौन सा फैक्टर काम में लेते हैं? भोजन में क्रूड प्रोटीन की मात्रा निकालने के लिए लेते हैं हम 6.25। ठीक है, अगला है, ट्रू प्रोटीन निकालने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? ट्रू प्रोटीन निकालने के लिए काम में लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। देखिए 32वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा नहीं है? अभी मैंने बताए थे प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या कितनी है? 6। अब बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? देखो क्रूड प्रोटीन प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है, ईथर एक्सट्रैक्ट प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है, और एनएपी भी प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है। तो ये टीडीएन ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। देखिए अगला है, सेलुलोज निम्न में से किस ग्रुप में आता है? तो सेलुलोज आता है क्रूड फाइबर में, CF में। ठीक है, देखिए अगला है, डुमास मेथड किसकी मात्रा ज्ञात करने का तरीका है? तो ये क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है, देखिए अगला है, निम्न में से किसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती? किसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती? तो देखिए क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन और एनएपी, इसमें तो नाइट्रोजन पाई जाती है। क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर और ईथर एक्सट्रैक्ट, इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है। ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, तो इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि क्रूड फाइबर, ठीक है, ईथर एक्सट्रैक्ट और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। अब नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, इनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगला क्वेश्चन है, देखो एसिड इनसॉल्युबल आस का उदाहरण है सिलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिका। देखिए 37वां क्वेश्चन है, एसिड डिटर्जेंट फाइबर यानी कि EDF का सही सूत्र क्या हो जाएगा? यानी कि NDS और माइनस कर देंगे उसको EDS से, बराबर क्या हो जाएगा? EDF हो जाएगा। अगला है, कैटल फीड में नमी की मात्रा होती है कितनी होती है? 11% होती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पशु पोषण के पिता कौन है बताइए? तो ये हो जाएगा लेबोजियर। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है अपना, फीड सैंपल में नमी की मात्रा निकालने के लिए हॉट एयर ओवन का तापमान होता है कितना होता है भाई बताओ? फीड सैंपल में नमी की मात्रा निकालने के लिए जो गर्म हवा भट्टी होती है उसका टेम्परेचर और समय कितना होता है? तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त तो फसलें कौन सी हो जाएंगी? हमने पहले बात की थी कि जब साइलेज बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार के कड़बन होते हैं, एक तो बूटायरिक अम्ल कड़बन और एक प्रोपियोनिक अम्ल कड़बन।
तो देखिए सबसे अच्छी साइलेज तब बनेगी जब उसमें घुलनशील शर्करा पाई जाएगी, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट युक्त जो फसल होंगी उनसे अच्छी वो साइलेज बनेगी। तो फसल लेंगे हम कार्बोहाइड्रेट वाली, जैसे कि मक्का, समझ रहे हो, ज्वार, बाजरा, इनको काम में लेंगे हम। देखिए 42वां क्वेश्चन है, वेरी गुड साइलेज का पीएच मान होता है। अभी वेरी गुड साइलेज पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 3.5 से 4.2 हो जाएगा, और 4.2 से 4.5 ये गुड साइलेज का हो जाएगा, ठीक है, ये फेयर साइलेज का है। देखिए ये कौन से मौसम में नहीं बनानी चाहिए, ये का मतलब सूर्य के प्रकाश में सुखाया गया चारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है जिसमें नमी की मात्रा 12 से 14% होती है, उसको ये बोलते हैं। अब बताओ ये को कब नहीं सुखाना चाहिए, भाई बरसात के मौसम में ये को नहीं बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि बरसात के टाइम पर बरसात होगी तो यह क्या होगी, खराब होगी पानी की वजह से, नमी की वजह से। तो ये पूछ रहा है कि कौन से मौसम में नहीं बनानी चाहिए, तो ये बरसात के मौसम में नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 35% होनी चाहिए। देखिए अगला है, साइलेज में खाली जगह परसेंट नमक मिलाया जाता है, तो साइलेज में कितना परसेंट नमक मिलाते हैं, तो वो मिलाते हैं 0.5% नमक मिलाते हैं, ठीक है। देखिए अगला है, निम्न में से साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नहीं है, नमक मिलाते हैं हम, सीरा मिलाते हैं, अनाज के दाने भी मिलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है, उसको हम साइलेज प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब यही है कि साइलेज को खराब होने से बचाने वाले पदार्थ, ठीक है। देखिए फ्लैग इंडेक्स किसकी गुणवत्ता की जांच के लिए काम में लेते हैं, तो साइलेज की गुणवत्ता की जांच के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, फ्लैग इंडेक्स काम में लेते हैं। अगला है, देखिए दलहनी फसलों जैसे कि रिचका में अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है, एक तो नमी प्रचुर मात्रा में होती है, प्रोटीन भी पाई जाती है और खनिज भी पाए जाते हैं, तो इनकी अधिकता होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइलेज बनाते समय घास एवं लेग्यूम का अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ, 1:3, 2:1, 3:1 या 1:2, तो बताइए कितना होना चाहिए, यानी कि साइलेज बनाते समय घास और लेग्यूम का अनुपात होना चाहिए 3:1। अगला है, ये बनाने के लिए उपयुक्त तो फसल नहीं है, तो ये बनाने के लिए कौन सी फसल काम में लेंगे हम, यानी कि ऐसी फसल काम में लेंगे जिसमें पत्तियां तो हों ज़्यादा और तना बिल्कुल छोटा हो ताकि वो आसानी से सूख सके, तो कौन सी फसल काम में लेते हैं हम। देखो ये बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल तो जई की होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी फसल इनमें से नहीं है, तो जो ले सकते हैं रिचका भी ले सकते हैं, बरसीम भी ले सकते हैं, लेकिन बाजरा ये बनाने के काम में हम नहीं ले सकते, बाजरा ले सकते हैं हम साइलेज बनाने के काम में, ठीक है। देखिए अगला है, यूरिया उपचार करते समय कुल राशन का कितना परसेंट यूरिया मिलाते हैं, 1% मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, 1%। देखिए अगला है, भूसे का यूरिया उपचार करने से भूसे में की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा बढ़ती है, देखो भूसे का जब यूरिया उपचार करते हैं तो देखो नाइट्रोजन, टीडीएन, ऊर्जा, नहीं खनिज, नाइट्रोजन, ऊर्जा और पाचकता, पाचकता बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, टीडीएन की मात्रा भी बढ़ जाती है, ऊर्जा भी बढ़ती है और पाचकता भी बढ़ती है, तो भाई ये यूरिया उपचार के फायदे हैं, कौन कौन चीज़ बढ़ेंगी, नाइट्रोजन, क्रूड प्रोटीन, टीडीएन, ऊर्जा और पाचकता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला है, भूसे में प्रचुर मात्रा में होता है क्या पाया जाता है, एक तो क्रूड फाइबर पाया जाता है और एक सिलिका पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसे नहीं खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया किसे नहीं खिलाना चाहिए, तो देखिए एक तो यूरिया उसे नहीं खिलाना चाहिए जो एरुमंथी जानवर है, और एक उसे नहीं खिलाना चाहिए रुमंथी जानवर जिसकी उम्र 6 माह से कम हो, यानी कि रुमंथी जानवर जिसकी उम्र 6 माह से कम हो उसे यूरिया नहीं खिलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 माह पर रूमन का विकास होता है, और देखिए जो यूरिया होता है वो रूमन के अंदर ही अमोनिया में बदलता है,
तो इसीलिए यूरिया किसे नहीं खिलाना चाहिए, घोड़े को नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घोड़ा एरुमंथी जानवर है। ठीक है, देखिए अगला है, गाय में यूरिया विषाक्तता कहते हैं, कब कहते हैं? जब रक्त में अमोनिया की सांद्रता 1 mg प्रति 100 ml से ज्यादा हो। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, यूरिया का कितना प्रतिशत हिस्सा गाय के रूमन में NH3 यानी कि अमोनिया में बदल जाता है? तो कितना बदलता है बताओ? 100%। कितना? 100%। यूरिया का 100% हिस्सा होता है वो रूमन के अंदर अमोनिया में बदल जाता है। देखिए अगला है, रूमन के जीवाणुओं को यूरिया के प्रति अनुकूलित होने में कितना समय लगता है? तो 2 से 4 सप्ताह का टाइम लगता है, यानी कि रूमन के जो जीवाणु होते हैं वो यूरिया को एक्सेप्ट करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे उनसे। ठीक है, तो 2 से 4 सप्ताह का टाइम लग जाता है। अगला है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने हेतु कौन सा एंजाइम काम रहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम गुणवत्ता का चारा है, उसकी हमको क्या बनाना है, पोषक मान बढ़ाना है, तो क्या काम लेते हैं हम? सेलुलेज काम में लेते हैं, या सेलुलोज नहीं है, सेलुलेज एंजाइम है। क्या है? सेलुलेज एंजाइम। देखिए अगला है, कम गुणवत्ता वाले चारे का पोषक मान बढ़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव काम में लेते हैं? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हमने बात की थी एंजाइम की, तो एंजाइम तो काम में लेते हैं सेलुलेज, और जब हम बात करें किसकी, सूक्ष्म जीव की, तो सूक्ष्म जीव में मिलाते हैं फफूंदी। ठीक है, फंगस। अगला है, बाजरे की फसल से अनाज निकालने के बाद खेत में बचे हुए डंठल व पत्तियां कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कड़वी बोलते हैं, जो कि गाय भैंस और उनको खिलाने के काम आती है बाद में। अगला है, एनर्जी फीड में क्रूड फाइबर एवं क्रूड प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ? तो देखिए, क्रूड फाइबर होना चाहिए कितना? 18% से कम, 18% से कम। और क्रूड प्रोटीन होने चाहिए वो 20% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? एनर्जी फीड की। तो एनर्जी फीड का मतलब जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा है वो 18% से कम है, और क्रूड प्रोटीन की मात्रा भी 20% से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी फीड बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ये, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने से रस निकालने के बाद बचा हुआ रेशेदार पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको बगैज बोलते हैं, बैगेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, प्रोडक्शन राशन में या उत्पादन राशन में मुख्यतः दिया जाता है, क्या देते हैं? दाना देते हैं भाई। प्रोडक्शन राशन, गर्भावस्था राशन, ठीक है, इन सभी में क्या देते हैं? दाना देते हैं। देखिए अगला है, आहार जिसमें सभी पोषक तत्व तो उचित अनुपात में होते हैं क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस राशन बोलते हैं या संतुलित राशन बोलते हैं। और आदर्श राशन क्या होता है बताओ? और जीवन निर्वाह राशन क्या होता है? उत्पादन राशन क्या होता है? जीवन निर्वाह राशन तो वो होता है जो पशु को जीवित रहने के लिए दिया जाता है, जिससे पशु का ना तो वजन बढ़ता है और ना घटता है। उत्पादन राशन वो होता है जो जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाता है। आदर्श राशन क्या होता है? जो उचित अनुपात में दिया जाता है, ठीक है, वजन के हिसाब से। अगला है, 24 घंटे के दौरान जानवर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले कुल भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? बात कर रहे हैं हम किसकी? 24 घंटे की। तो 24 घंटे के दौरान जानवर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले कुल भोजन, यानी कि पशु 24 घंटे में जितना भी भोजन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? आहार बोलते हैं या राशन बोलते हैं। और 24 घंटे में जब एक बार ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे? खुराक बोलेंगे। ठीक है, देखिए अगला है, राशन निर्माण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी लाइनर प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, अगला है, देसी गाय को उत्पादन राशन के रूप में कुल दुग्ध उत्पादन का कितना प्रतिशत दान देते हैं भाई? 40%। कितना देते हैं? 40%। देखिए हम बात करेंगे किसकी? भैंस की, जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध दे रही है भाई, है ठीक है, 10 लीटर काफ़ी है, उसे कितना कितना केजी दाना उत्पादन के रूप में देना चाहिए?
कितना देना चाहिए? 10 लीटर दूध दे रही है तो दे देंगे हम 5 केजी, ठीक है, यानी कि 2 केजी दुग्ध उत्पादन पर हम देते हैं 1 केजी, क्या देते हैं, दाना देते हैं, तो 10 लीटर दूध दे रही है तो 5 5 केजी क्या दे देंगे, दाना दे देंगे। अगला है, जानवर के शरीर में पानी एवं शुष्क पदार्थ का अनुपात कितना होता है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और शुष्क पदार्थ की मात्रा कम होती है, तो ये हो जाएगा 2:1, यानी कि 65:35 की हेर फेर में, ठीक है। देखिए अगला है, बछड़े को जन्म के प्रथम दिन शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बछड़े को जन्म के फर्स्ट डे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं? तो 10%, ठीक है, 10% खीस पिलाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला है, बछड़े को खाप स्टार्टर राशन किस उम्र पर देना प्रारंभ करते हैं? तो 15 दिन की उम्र पर। देखिए खाप स्टार्टर राशन में DCP क्रूड प्रोटीन एवं TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होता है, कितना होता है? तो देखो 19% तो होती है इसमें DCP यानी कि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, और 25% होती है CP यानी कि क्रूड प्रोटीन, और 75% होती है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा भाई, ध्यान रखना है इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर के रूमन का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो सामान्य तापमान होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। pH की बात करें तो pH कितना होता है, 6.5 से 6.8, ठीक है। देखिए अपना 74वां और अपना लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, जानवरों के मूल भोजन में और अल्प मात्रा में जोड़े जाने वाले रसायन जो जानवरों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? फीड एडिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीड एडिटिव बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने 70+ क्वेश्चन आंसर थे, बहुत ही अच्छे थे, आप इनको देखना जरूर, ठीक है। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।